अब तक लोन देने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड या बैंक के दरवाजे पर जाते थे, मगर अब लोन देने वाला आपकी जेब में आ गया है। हम बात कर रहे हैं लोन देने वाले मोबाइल ऐप्स की। ना बैंक जाने का झंझट, ना सख्त वेरिफिकेशन की टेंशन, और पैसा झट से आपके अकाउंट में। लेकिन इनमें कुछ तंग गलियां भी हैं जो कभी भी आपको परेशान कर सकती हैं। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इस वीडियो में हम मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने वाली कंपनियों की दुनिया के बारे में जानेंगे और इन पर सरकारी निगहबानी के बारे में भी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये लोन देने की किस्म कौन सी है। पैसों की ज़रूरत होने पर दुनिया में अपने घर परिवार दोस्तों के अलावा एक ही चीज़ काम आती है, वो है बैंक। अगर ज़िंदगी भर आपकी बैंकिंग का इतिहास भूगोल ठीक ठाक रहा है तो तय दरों पर बैंक आपको लोन दे सकता है। बैंक इस लोन पर ब्याज लेता है। आप उस लोन से कार खरीदने, घर बनवाने, बच्चों को बड़े स्कूल कॉलेज भेजने जैसे सपने साकार करते हैं। ऐसे ही बैंकों का और आपका हमारा काम चलता रहता है। लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए आती है जिनका बैंकों से कम ही साबका पड़ता है, लेकिन उन्हें लोन की ज़रूरत होती है। पहले ज़माने में तो इस काम के लिए साहूकार होते थे, अब उनकी जगह ले ली है NBFC या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ ने। इनकी ऐप आपको घर बैठे लोन लेने की सुविधा दिलाती है। बैंक जहां आपको लोन की बड़ी रकम देते हैं, वहीं ऐप से आप छोटी रकम लोन पर ले सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि नॉन बैंकिंग कंपनी होती क्या है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो बैंकों की तरह काम करती हैं, लेकिन बैंकों की तरह भरोसे और गारंटी की बात नहीं करती। NBFC से कम पूछताछ पर ही आपको लोन मिल सकता है, जबकि बैंक की गाइडलाइंस बड़ी सख्त होती हैं। NBFC इसके बदले आपसे ज़्यादा ब्याज वसूलती हैं। कौन कौन से नामी ऐप हैं मार्केट में? आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और मनी नाम से सर्च करिए। भरा भर करके सैकड़ों ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐप काम का है और कौन सा नहीं। इसके चलते कई बार लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। पहले आपको बताते हैं कि 5 बड़े मनी लेंडिंग ऐप के बारे में जिनकी मार्केट में साख है। मनी ट्रैप 3,000 से 5,00,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं 1.08 से 2.03% महीने के ब्याज पर। कैश ई, इसकी लोन लिमिट 5,000 से 2,00,000 रुपए तक, ब्याज 1.75% महीने से शुरू होता है। क्रेडी 10,000 से 1,00,000 रुपए तक देता है, 1 से 1.5% महीने का ब्याज है। लेजी पे से 10,000 से 1,00,000 रुपए तक रकम ले सकते हैं, ब्याज 1.25 से 2.6% महीने देना होगा। अर्ली सैलरी ऐप 3,000 से 2,00,000 तक का पैसा देती है, बदले में 2 से 2.5% महीने ब्याज लेती है। इनके अलावा भी ऐसे लोन देने वाले ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि इनसे लोन कैसे मिलता है। इन ऐप्स के पॉपुलर होने का कारण ही यही है कि इन पर बहुत जल्दी और पेपरलेस लोन अप्रूव होता है। आपको अपने गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करना होता है, उसके बाद अमूमन आधार कार्ड, होम एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड ऐप पर अपलोड करना होता है। बस लोन की फॉर्मेलिटी पूरी। लोन लेने के लिए आपको निश्चित रकम का लोन या क्रेडिट कार्ड बनवाने की सुविधा दी जाती है। आप इनमें से अपने मन का ऑप्शन चुन सकते हैं। मगर इसमें पेच क्या है? इन ऐप्स के साथ सबसे बड़ा पेच है इनका भारी इंटरेस्ट रेट। क्योंकि लोन बहुत कम शर्तों के साथ दिया जाता है, ऐसे में लोन पर भारी ब्याज वसूला जाता है। शायद ही कोई ऐप ऐसा होगा जिस पर 13% सालाना से कम का ब्याज हो। कई में तो ये 20% से 25% सालाना तक है। मतलब अगर 1,00,000 रुपए का लोन लिया तो साल भर बाद 1,25,000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। इनमें से बहुत से ऐप्स ऐसे भी हैं जो बैंकिंग के नियम कायदों की परवाह कम ही करते हैं। कई छुपे चार्ज लगा देते हैं, वसूली के वक्त ऐसे नियम कायदे बताते हैं जो पहले कभी नहीं बताए गए। ऐसे कई ऐप्स पर शिकायत करने या दिक्कत होने पर राहत मिलने का सिस्टम अक्सर कम ही दिखता है। लोग पेमेंट करने के बाद अमाउंट अपडेट ना होने, गलत रकम पर ब्याज लेने जैसे शिकायतों से लगातार जूझते रहते हैं। फर्जी ऐप भी सिस्टम का बहुत बड़ा सरदर्द है। नवंबर में ही गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कई मनी लेंडिंग ऐप्स को हटाया है। इनके बारे में लगातार शिकायत आ रही थी कि ये लोन देकर लोगों को तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। कई ऐप पर जान से मारने की धमकी, अश्लील फोटो कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ शेयर करने जैसे आपराधिक शिकायतें भी सामने आईं। इन शिकायतों के बाद गूगल ने इन पर एक्शन लिया। इन ऐप्स पर RBI का नियम कायदा क्या कहता है? कुछ साल पहले तक तो NBFC को लेकर भी ज़्यादा सख्ती नहीं थी, लेकिन बढ़ती गड़बड़ियों के बाद RBI ने इस साल 24 जून को ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके मुताबिक जो भी ऐप लोन दे रहा है उसे अपनी NBFC के बारे में डिटेल कस्टमर को देनी होगी। पैसे कस्टमर को किस बैंक या गैर बैंकिंग संस्थान से दिए जा रहे हैं इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी।
लोन सैंक्शन करने के बाद एनबीएफसी या बैंकिंग संस्था को एक सैंक्शन लेटर लोन लेने वाले को भेजना पड़ेगा, जिसमें लोन की रकम और शर्तों की जानकारी होगी। इस पर हामी भरने के बाद ही लोन की प्रक्रिया पूरी की जाए। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वो एनबीएफसी या बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जिसके जरिए इसे चलाया जा रहा है। किसी भी तरह की गड़बड़ी की जिम्मेदारी ऐसी एनबीएफसी या बैंक पर ही होगी, लेकिन अक्सर ये सब होता नहीं है। असल में आरबीआई के पास सीधा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो इन मनी लेंडिंग ऐप्स पर नज़र रख सके। 24 जून के अपने नोटिफिकेशन में आरबीआई ने माना है। ये बात सामने आई है कि लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा दिखाते हैं कि वो बिना किसी एनबीएफसी या बैंक के सीधे लोन दे रहे हैं। इसकी वजह से कस्टमर के पास परेशानी की स्थिति में किसी के भी पास जाने का विकल्प नहीं बचता। इस तरह के ऐप्स को लेकर मनचाहे इंटरेस्ट रेट, डराने धमकाने, डेटा का गलत इस्तेमाल को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं। ये भी देखा गया है कि ऐसे कई ऐप्स देश के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, इनके सर्वर विदेशों में हैं। फिलहाल सरकार के पास इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इस तरह के कितने मनी लेंडिंग ऐप्स हैं जो विदेशों से चलाए जा रहे हैं। इस तरह के ऐप्स में चूंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऐसे में निगरानी करने वाली एजेंसियों से ये बच जाती हैं। तो फिर क्या किया जाए? अगर आपको इस तरह के मनी लेंडिंग ऐप की ज़रूरत पड़े तो कम से कम इतना ज़रूर करें, जो भी ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से ही करें, ऐप की रेटिंग और रिव्यू ज़रूर पढ़ें। ऐप किस एनबीएफसी का है इस बारे में जानकारी लें, कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिस ऐप के बारे में ये भी पता ना चल रहा हो कि वो चल कहां से रहा है, उससे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन ना करें। जिस ऐप या ऐप की वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर या ग्रीवेंस रिड्रेसल की कोई जानकारी ना हो, उससे लोन ना लें। ऐप पर ब्याज के सिस्टम को अच्छी तरह से समझें, इसकी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें। नामी एनबीएफसी और बैंक के ऐप से ही लोन लें। तो बस भाई इतना ही था, ये जानकारी हमारे लिए हमारे साथी अमित मिश्रा लेकर आए थे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।